टीवी के शौकीनों जरा इधर आ जाओ, सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम, न्यूटन चल रहा है पिंगी के साथ बनारस। और अगर आपको टीवी देखने का बहुत ज्यादा शौक है और आपने भूतों मेरे अंगने में, क्राइम पेट्रोल जैसे सीरियल्स देखे हैं, तो इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में जो हैं इनको आप बड़े अच्छे से पहचान जाओगे। नाम है इनका अमन जेटली। हाय अमन। हाय पिंकी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा अमन, बनारस आने का क्या रीजन है? बनारस आने का रीजन सबसे पहले तो मतलब ये है कि थिएटर ओलंपिक्स चल रहा है, तो पूरे इंडिया में हो रहा है, ऑल ओवर वर्ल्ड से 400 प्लेज आए हुए हैं। तो बनारस में आया हूँ थिएटर ओलंपिक्स से रिलेटेड प्ले करने। हमारा प्ले मदन मोहन मालवीय जी के लाइफ पे द महामना हो रहा है, जो अहमदाबाद में है। उसके रिहर्सल्स यहाँ पे चल रहे हैं। सुमित श्रीवास्तव डायरेक्टर है, प्ले राइट उसके मंजीत चतुर्वेदी सर है। हम लोग का शो होना है अहमदाबाद में और रिहर्सल्स यहाँ पे चल रहा है। तो वाराणसी टीम विल गो टू अहमदाबाद एंड विल परफॉर्म ऑन 5th अप्रैल। क्या बात है, तो काफी सारे कंट्रीज आ रहे हैं वहाँ पे। हाँ, बहुत सारे कंट्रीज भी आ रहे हैं। बर्लिन आ रहा है, जापान आ रहा है, तो वाराणसी भी वहाँ पे जा रहा है प्ले करने। ग्रेट यार। तो अगर अमन आपके रोल के बारे में बात करें, इस प्ले में आपका क्या रोल है? बहुत सारे रोल्स हैं मेरे, मेजर रोल्स हैं। चौरी चौरा इंसिडेंट को पूरा मैं उसमें पोर्ट्रे कर रहा हूँ, ऐसे नरेटर पोर्ट्रे कर रहा हूँ, पूरे प्ले को फॉरवर्ड करके ले जा रहा हूँ। डिफरेंट रोल्स हैं। अमेजिंग। तो इस वक्त मेरे साथ अमन जेटली बने हुए हैं स्टूडियो में बनारस। इनसे और भी बातें करेंगे थोड़ी सी देर में। यू टर्न मारते रहो पिंकी के साथ, बच जाते रहो। हीरो मूवी से सुना आपने याददाश्त तेरियां, और इस वक्त मेरे साथ एक हीरो मौजूद है स्टूडियो में। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम, यूटर्न चल रहा है पिंगी के साथ बनारस। और इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में है अमन जेटली। अगर आपने भूतू मेरे अंगने में जैसे सीरियल्स देखे हैं, तो आप इनको बड़े कायदे से पहचान गए होंगे। और थिएटर ओलंपिक्स चल रहा है ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो उसी से जुड़े हुए एक प्ले के सिलसिले में अमन का बनारस आना हुआ है। और अमन से काफी सारी बातचीत हो रही है यहाँ पर। तो अमन, काफी सारे रोल्स किए हैं अभी तक आपने और थिएटर भी करते हो आप, तो एक ऐसा रोल जो आपके दिल के बहुत ज्यादा करीब है? बहुत सारे रोल, मतलब एज एन, मतलब जैसे बहुत सारे प्लेज में करता आया। भगत सिंह मैंने किया एज ए लीड, मैकबेथ शेक्सपियर का मैंने एज ए लीड किया। तो बहुत सारे चैलेंजेस मुझे मिलते गए प्ले में, तो मुझे हर एक तरह के रोल मुझे एक्सेप्ट करना बहुत पसंद है। तो कोई एक बता पाना थोड़ा मुश्किल होता है, बट आई लव टू प्ले ईच एंड एवरी रोल। क्या बात है। तो लास्ट सवाल अमन से मेरा ये होगा कि आपकी लाइफ का एक वो इंसिडेंट जो आपका फेवरेट है और वो एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहोगे यहाँ पे? मैं एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। अभी मेरे लाइफ में एक बहुत बड़ा इंसिडेंट, मतलब इंसिडेंट कहते हैं, हैप्पी इंसिडेंट हुआ। मुंबई में 10 दिन पहले मैंने एक अमिताभ बच्चन, इनकम टैक्स कमिश्नर सर वीरेंद्र ओझा सर का एक बुक लॉन्च इवेंट था, वो अमिताभ बच्चन सर अनवील कर रहे थे, वो मैंने ऑर्गेनाइज किया, और वो एक अलग ही एक्सपीरियंस था। वो उस टाइम जो मुझे फील हुआ और उसके बाद जो अब मैं बनारस आया हूँ, मतलब वो दोनों, मतलब आई वॉज ब्लेस्ड की वो मिला और अचानक से मुझे बनारस आने का मौका मिला, क्योंकि मैं सोच ही नहीं पा रहा था कि यार अब मैं बनारस जा पाऊंगा कि नहीं। अच्छा। और मदन मोहन मालवीय जी ने मुझे खींच के यहाँ पे बुलाया बीएचयू में वापस, और मैं उन्हीं के प्ले को मैं करने के लिए मैं यहाँ पे आया। तो अमिताभ बच्चन सर वाला इवेंट जो ऑर्गेनाइज किया और एक ये प्ले के लिए जो मैं आया हूँ, मतलब दोनों फीलिंग अमेजिंग है। सोने पे सुहागा हो गया। और बनारस तो मतलब क्या मैं कहूँ। कुछ मत कहिए अमन, समझ गए हम, क्योंकि बनारस वाले हैं इतने अच्छे, इतना ज्यादा प्यार देते हैं, जो भी आता है ना बनारस का ही होकर रह जाता है। वेल, थैंक यू सो मच अमन यहाँ पे आने के लिए, हमसे बात करने के लिए। थैंक यू पिंकी। तो ये थे अमन जेटली जो आए हुए हैं बनारस एक प्ले के सिलसिले में, और ये प्ले होने वाला है अहमदाबाद में 5 अप्रैल को। मैं हूँ अभी यहाँ पे पिंकी, यू टर्न चल रहा है पिंकी के साथ सुपर हिट्स।